है कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है ये मैडम शहनाज खानम की तरफ से किया गया है, और जो परफॉर्मर है वो है बख्तियार अली संतू साहब और उनकी पूरी टीम। आप जानते हैं वो यूट्यूब पर भी छाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे कवाल हैं, और हम पूरे शो की आपको ग्लिम्प्स देते रहेंगे साथ साथ, और आप आज बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हासिल करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो व्लॉग आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बख्तियार अली संतू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो देखिए आप हमारे साथ आ चुके हैं। बख्तियार साहब, आप उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जी दुआएं आपकी। आपका ये दूसरा जो है परफॉर्मेंस है इधर यूएई के अंदर, सो आप पहली अपनी जो परफॉर्मेंस आपकी उसके बारे में भी थोड़ा सा रिव्यू दीजिए, और आज का जो ये महफिल थी आपने जमाई इसके बारे में भी कुछ बताया हमें। मुझे माशाल्लाह, मैं आया हूँ, जब से आया हूँ यूएई में, यूएई वालों का, आपका, शज़ैब भाईजान का, सब शफकत शीमा साहब का, मैं सबका मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे यूएई में बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इस तरह यूएई में इस तरह के कॉन्सर्ट होने चाहिए, इवेंट होने चाहिए, जो कि यूएई के लोगों को, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए ये मैसेज है एक सूफिया इकराम का, ये उन तक पहुँचना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट भी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ इवेंट होंगे तो इंशाल्लाह मैं हाजिर होंगे। सर, आप जो आज आपने गाया है, आप जब गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे एक एक बुजुर्ग की रूह होती है, माशाल्लाह आप बहुत ही यंग है, मगर जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा आपकी आवाज से छलक रहा था वो एक बहुत ही वसी है। तो आप कितनी देर से आप गा रहे हैं, कितना अरसा आपको गाते हुए हो गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। मैं 5 साल का था तो जब मैंने मेहनत शुरू की, तो जब 5 साल के बाद मेरे चाचू ने मुझे, मेरे आसिफ अली संतू खान साहब, मुझे उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहा बेटा आप ये मौसीकी शुरू करो, मुझे उम्मीद है कि ये आप इसको पार करोगे। पार तो अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की इस म्यूज़िक को आगे सराहने के लिए कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता आ रहा हूँ, और ये मेरी कोशिश जारी है।
अच्छा बहुत ही माजरत, क्योंकि मैंने तो आप यहाँ आपको पहली बार सुना जी जी जी, सो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका कोई पर्सनल सॉन्ग कोई रिलीज आपका अब तक हुआ है, कोई आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस आपने दी है, ओरिजिनल ट्रैक आपका कोई आया अभी तक? जी मैं यूएई से पहले अपना अपलोड करने वाला था बिल्कुल न्यू सॉन्ग, उससे पहले मेरा एक हमद अल्लाह पाक के नाम से मैंने शुरू किया, हमद पेश की जेमन बरीबा मदीना सबा सलाम वाले, मैंने वो पेश किया, उसके बाद मेरा सॉन्ग आने वाला था, लेकिन मैंने यूएई के टूर के करने के मुकम्मल बाद मैं जाकर पाकिस्तान में उसको अपलोड करूंगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मेहनत आपकी एसएम शहजेब साहब की, इन्होंने आपको बुलाया, शहजेब साहब का बहुत शुक्रिया, और उन्होंने यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा मोहब्बतों से नवाजा, मैं उनको बहुत ज्यादा मशकूर हूँ, सबका बहुत मशकूर। आपका जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप अपलोड अब करेंगे या कर रहे हैं, आप जरूर हमारे नाजरीन को बताइए ताकि हम डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक देंगे ताकि वो जाके आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप मैं यकीन जाने आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इनको एक बार सुन लिया ना, आप ढूंढते फिरेंगे कि भाई ये बंदा है कहाँ। सो ये जो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अभी दूंगा, आपने इसको जाके क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली इनकी जो तमाम गाने हैं, तमाम परफॉर्मेंस हैं, आप घर बैठे देख सकें। हम देखे दुबई से आए शारजा भाई की परफॉर्मेंस देखने, और आपने घर पे एक क्लिक में देख लेना है तो जरूर आपने सब्सक्राइब करना है। तो आप अपने चैनल का लिंक जरा बताएं। मेरे चैनल का लिंक है बख्तियार संतू कवाल, आप उसको क्लिक कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको मोर वीडियो जितनी भी आप पसंद करेंगे इंशाल्लाह आपको मिलेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।